आकाश मिक्स तो का ऐप जरूरत पड़ेगा और काइन मास्टर ऐप का लिंक दोस्तों मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर दोस्तों आप लोग मेरे से कोई भी वीडियो अगर एडिटिंग करवाना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना सिंपली से दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है काइन मास्टर ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों आपको काइन मास्टर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखने को मिलेगा सिंपली से आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है आपको दोस्तों राइट साइड की कॉर्नर में जो है दोस्तों आपको एक इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों इनपुट में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल को आपको डाउनलोड करके एड करना है दोस्तों प्रोजेक्ट फाइल आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा सिंपली से आपको वाला वीडियो देख लेने के बाद बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो प्रोजेक्ट फाइल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको कलरफुल वाला आपको बैकग्राउंड दिख रहा है सिंपली से दोस्तों आपको क्या करना है नीचे आपको दो उंगली से कुछ इस प्रकार से आपको जुम करना है और जूम करने के बाद सबसे पहले आपको ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको रिप्लेस ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको आ जाना है उसके बाद गैलरी ओपन हो जाने के बाद दोस्तों जो फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो को एड करना है नेक्स्ट बैकग्राउंड में क्लिक करना है उसी तरह दोस्तों रिप्लेस में जाना है जो फ़ोटो आपको पसंद है कुछ इस प्रकार से फोटो को ऐड करना है इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है बैकग्राउंड में क्लिक करके रिप्लेस में जाके जो फोटो आपको पसंद है वही फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है ठीक है आपको दोस्तों लगभग एंड तक आपको इस तरह से फोटो को आपको एक एक करके आपको एंड करते जाना है तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से एड कर लेता हूँ सभी बैकग्राउंड में मैं फोटो उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूं आपको आगे क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपको सभी बैकग्राउंड में फ़ोटो एड करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में उसके बाद आपको क्या करना है आपको दोस्तों लेयर ऑप्शन मिलेगा इसमें क्लिक करके आपको मीडिया ऑप्शन में जाना है जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सॉन्ग वाला वीडियो को ऐड करना है ऐड करने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक्स्ट्रा टोडियो मिलेगा इसको आपको ऐड करने के बाद आपको दोस्तों ऊपर वाला वीडियो को डिलीट करना है डिलीट करने के बाद दोस्तों फर्स्ट फोटो में क्लिक करना है क्लिक ग्राफिक में जाना है आपको दोस्तों इन एनिमेशन क्लिक्राफिक जीरो वन सेलेक्ट करना है उसके बाद दोस्तों इसके बाद आपका जितना फोटो है दोस्तों यहाँ पर आपको तो, दो डॉट जो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर ब्लू कलर का इतना दूर तक दोस्तों आपको कॉलमी डी इफेक्ट नंबर टू सेलेक्ट करना है सिर्फ प्लीज़ से आपको तो फ़ोटो में क्लिक करके क्लिक ग्राफिक में जाना है कॉलमी डी इफेक्ट नंबर टू को आपको इस तरह से आपको ब्लू दो डोट है उस तरह से आपको उतना दूर तक आपको ऐड करना है ठीक है दोस्तों इतना दूर तक तो आपको दोस्तों यहाँ पर कॉलमी डी जी नंबर टू आपको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है एक बार आपको दोस्तों साउंड के साथ आपको एक बार म्यूजिक आपको प्ले करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है लगभग दोस्तों इस पोजीशन में आपको आ जाना है लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन में आना है और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है एक फाइटर वीडियो को दोस्तों आपको ऐड करना है फाइटर वीडियो को आपको इस तरह से फिल स्क्रीन करना है नीचे मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन इसको इस स्क्रीन करना है और दोस्तों इसका फोटो का लेंथ जितना दूर तक है दोस्तों आपको इस तरह से फ़ोटो को आपको साइज़ मुताबिक आपको फाइटर को फाइटर वीडियो को रख लेना है उसके बाद आपको राइट साइड ट्रिम करना है ट्रिम करने के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो है आपको फोटो दोस्तों स्टार्ट हो रहा है दोस्तों नेक्स्ट फोटो से दोस्तों यहाँ पर आपको डॉट दिखने को मिलेगा ब्लू डॉट यहाँ पर तीन जो ब्लू डॉट दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर आपको एक अलग क्लीग्राफिक एड करना पड़ेगा उतना दूर तक सिंपली से फोटो में क्लिक करके क्लीग्राफिक में जाना है सिक्सटीन किलीग्राफिक आपको जीरो एट करना है दोस्तों तीन डॉट तक ठीक है तो दोस्तों मैं फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूँ आपको आगे कौन सा आपको क्लीग्राफिक दोस्तों एड करना है तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से एड कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूँ दोस्तों थ्री डोर तक आपको दोस्तों के लिए ग्राफिक सिक्स टेन का आपको जीरो एट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट फोटो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों इतना दूर तक दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है होलियन पार्टी इफेक्ट नंबर टेन सेलेक्ट करना है कितना दूर तक दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो में थोड़ा आपको आगे आ जाना है आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो दो, दो दिख रहा है इतना दूर तक दोस्तों आपको होलियन पार्टी इफेक्ट आपको नंबर टू सेलेक्ट करना है ठीक है सॉरी दोस्तों नंबर टेन सेलेक्ट करना है नंबर टेन सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा वीडियो को प्ले करना है तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फोटो जो आपको दिख रहा है दोस्तों दो डॉट के ऊपर तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है डीजे इफेक्ट नंबर टू उसके बाद दोस्तों जो बड़ा फोटो आपको दिख रहा है दोस्तों आपको क्या करना है आपको दोस्तों लगभग इस पोजिशन तक आपको आ जाना है आ जाने के बाद लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पर भी आपको दोस्तों फाइटर वीडियो को दोस्तों आपको एड करना है ठीक है फाइटर वीडियो को स्पीड स्क्रीन में जाके भी आप फुल स्क्रीन कर सकती है उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्क्रीन करना है और इस फ़ोटो का लेंस जितना दूर तक है इसको आपको इतना दूर रखने के बाद राइट साइड ट्रिम करना है ठीक है फिर से दोस्तों वीडियो को आपको थोड़ा आगे प्ले करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा अलग आपको केलीग्राफिक ऐड करना पड़ेगा तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है आपको दोस्तों फ़ोटो में क्लिक करना है और कलीग्राफिक में जाना है और सिक्सटीन केलीग्राफिक आपको ज़ीरोट सेलेक्ट करना है ठीक है कितना दूर तक सेलेक्ट करना है यहाँ पर दोस्तों जो दो डो डो दिख रहा है इतना दूर तक आपको दोस्तों सिक्सटीन केलीग्राफिक ज़ीरो को सेलेक्ट करना है उसके बाद वीडियो को थोड़ा आगे प्ले करना है तो यहाँ पर लगभग तीन चार फोटो जो मिलेगा आपको दोस्तों क्लीग्राफिक आपको कर लेना है दोस्तों कॉल डी इफेक्ट नंबर टू को सिलेक्ट ठीक है तो दोस्तों मैं फटाफट से यहाँ पर जितना मैं क्लीग्राफिक एड नहीं किया हूँ तो सभी को मैं ऐड कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं फ़ाइनल वीडियो आपको एडिटिंग दोस्तों आपको दिखाता हूँ किस तरह से एडिटिंग हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर लगभग जो है मैंने जो दोस्तों यहाँ पर क्लीग्राफिक मैंने छोड़ दिया था सभी को मैंने ऐड कर लिया हूँ एक एक करके तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चलो एक बार वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह से मेरा वीडियो एडिटिंग हुआ है सभी क्लीग्राफिक एड करने के बाद तो दोस्तों तो देख रहे हो मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा ओपी तरह से जो एडिटिंग हो गया है अगर दोस्तों आप सभी को इस तरह का वीडियो एडिटिंग अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था